हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास ऑफ मॉन्टेसरी स्कूल। मैं स्टैंडर्ड 6 की हिंदी ग्रामर मिस। तो चिल्ड्रेन, प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही थी, चैप्टर 2 पढ़ा रही थी ना। तो मैंने चैप्टर 2 में आप लोग को वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको उससे आगे की पढ़ाई करवाऊँगी। तो बस फटाफट टेक आउट योर बुक एंड ओपन चैप्टर 2। तो चिल्ड्रेन, चैप्टर 2 आप लोगों ने निकाल लिया, वर्ण विचार उच्चारण। इस चैप्टर में मैं वर्ण विचार पढ़ा चुकी हूँ, वर्ण किसे कहते हैं वो भी पढ़ा चुकी हूँ, वर्णमाला किसे कहते हैं वो भी पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद व्यंजन के को कितने वर्ग में बांटा गया वो भी पढ़ा चुकी हूँ। आगत वर्ण के बारे में पढ़ाई हूँ, आज मैं संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा रही हूँ। संयुक्त व्यंजन क्या है? अक्षर, त्र, ज्ञ और स्रो, ये चार जो है इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो व्यंजन है दो वर्णों के मेल से बना, दो व्यंजन के मेल से बना। अब यहाँ पर देखिए, अक्षर, ये अक्षर कैसे बना है, क और मूर्धन्य स, ये दो व्यंजन है, इन दो व्यंजनों के मेल से ये अक्षर बना है। उसके बाद ये त्र देखिए, त और र मिल करके त्र बना है। ज्ञ देखिए, ज और ज्ञ मिलकर ज्ञ बना है। और ये स्र बना है श और र मिलकर। तो दो व्यंजनों के मेल से ये व्यंजन बना है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। अब हम लोग इसे आगे की पढ़ाई करेंगे कि वर्ण को कितने भाग में बांटा गया है। अब आप यहाँ से ठीक से समझ पाओ, यहाँ देखो, देखो क्या है इसमें। वर्ण क्या होता है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि अ से अ और क से ज्ञ सारे वर्ण हैं, ठीक है। और वर्ण किसे कहते हैं, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण एक मूल ध्वनि होता है। तो वर्ण को दो भाग में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आज हम लोग स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण वो वर्ण होता है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और स्वर वर्ण जैसे अ से लेकर औ तक, अ से लेकर औ तक स्वर होता है, जैसे आ ई छो आ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ, यानी टोटल 11 है। देखिए आपका बुक में भी दिया हुआ है, यह है आपका स्वर वर्ण, अ आ ई ई ऊ री ए ऐ ओ औ, यानी ये कितना हो गए, 11। ये स्वर वर्ण है। ये स्वर वर्ण का किसे कहते हैं, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुंह से जो श्वास वायु जो सांस निकलता है वो बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आता है, यानी स्वर जो है स्वतंत्र होता है, इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। आप उच्चारण करके भी देख सकते हो। तो स्वर वर्ण कितना हो गया आपका, अब इस पेज में देखो 11 हो गया। और अंग और अह इसको अयोगवा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंग का उच्चारण करने में ग आ जाता है, यानी व्यंजन आ जाता है, और अ का उच्चारण करने में ये जो है ह आ जाता है, इसलिए इसको अयोगवा कहा गया है। तो 11 स्वर में सभी स्वरों के उच्चारण में एक जैसा समय नहीं लगता है। तो उच्चारण में कितने समय लगते हैं, इसके अनुसार स्वर को 3 भाग में बांटा गया है। यहाँ पर आइए देखिए आप, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, वैसा स्वर जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, यानी एक गुना समय लगता है। आप देखिए ये है 4, अ ई उ री, इसका उच्चारण करने में कितना समय लगा, एक गुना का समय लगा, यानी बहुत ही कम समय लगा। और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4 4। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक गुना का समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर क्या होता है, इसमें दुगना समय लगता है, जैसे आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, दो गुना का समय लगा। और दीर्घ स्वर ये हैं 7 है, इनकी संख्या कितनी है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया दीर्घ स्वर, यानी ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगा दीर्घ स्वर में। और प्लुत स्वर क्या होता है, किसमें तिगुना समय लगता है, जैसे ओम, उच्चारण करके भी देख सकते हो, ओम ओ बहुत दूर तक बोलना पड़ता है तब ओम, या किसी को आप पुकारते हो सुनो,
या फिर किसी का नाम पुकारते हो राम, इसमें तिगुना समय लगता है। तो ऐसा स्वर जिसमें तिगुना समय लगता है उसको पुलुस स्वर कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब स्वर की मात्राएं देखिए, स्वर की मात्राएं होती हैं, जब भी हम शब्द बनाते हैं तो उसमें स्वर को डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, उनकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ, ये स्वर हो गया। लेकिन अगर हमको कोई वर्ड लिखना है, जैसे मैंने लिखा काका, तो इसमें ये स्वर जो है इसका ये स्वर नहीं है, ये स्वर की मात्रा है। जैसे आ है, ये स्वर हो गया, ये इसकी मात्रा का, यानी शब्द लिखते समय स्वर का मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्वर की मात्राएं दो रूप से प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है स्वतंत्र रूप से, अब यहाँ पर देखिए आए, आओ, आइए आदि, ये सब क्या है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया। इसमें सारे ये जो स्वर हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे वर्ण, सभी स्वर हैं। अब व्यंजन के साथ मिलाकर भी स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे क में आ जोड़ देने से क्या बन जाता है, का, यानी ये व्यंजन हो गया, ये स्वर हो गया, ये हो गया शब्द का निर्माण। तो शब्द का निर्माण करने के लिए, स्वर लगाने के लिए स्वर की मात्रा प्रयोग की जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको कहते हैं चंद्रबिंदु या अनुनासिक। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जब भी उच्चारण करोगे तो मुंह से जो हवा आएगी, मतलब मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अब यहाँ पर उच्चारण करके देखो, आँख, मुँह, इन शब्दों के उच्चारण में नाक और मुँह दोनों से हवा निकलती है, यानी दोनों से उच्चारण होता है, इसलिए इसको कहा गया है अनुनासिक। और इसे कहा गया है अनुस्वार। अनुस्वार, इसका उच्चारण जब करोगे तो इसमें आवाज़ नाक से आएगी, मुंह से नहीं। अब जैसे अंगूर, नहीं, दोनों के उच्चारण में अंतर है ना, आँख और अंगूर, इसमें मुंह और नाक दोनों से आवाज़ निकल रही है, और इसमें सिर्फ नाक से आवाज़ निकल रही है। इसे कहा जाता है विसर्ग। इसका उच्चारण में क्या होता है, ह जैसा उच्चारण होता है, जैसे प्रात, ऐसे पढ़ोगे तो प्रात, विसर्ग लग गया तो प्रातः, ह जैसा उच्चारण हुआ, अतः, ह जैसा उच्चारण हुआ। तो चिल्ड्रेन, आज आप लोग को मैंने स्वर वर्ण के बारे में पढ़ाया है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको व्यंजन के बारे में बताऊँगी। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूँगी। थैंक यू।